केला भी बाकी है, ये सब भूलता है कोई? केला भी बाकी है, ये सब भूल। बिहार में खेला की आहट। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस ने हैदराबाद भेजे 16 विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की ओर से नीतीश की नई सरकार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए अधिक हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। मांझी 4 विधायकों वाली पार्टी से 2 के लिए मंत्री पद चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन के नेताओं की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाने तक की पेशकश की गई, यानी उनके लिए मुख्यमंत्री तक का ऑफर आया है, लेकिन वो गए नहीं, लेकिन वह एनडीए में बने रहे। देश की राजनीति के लिए अगले 10 दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान दो राज्यों में हाल में शपथ लेने वाली नई सरकार को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। पिछले दिनों बिहार और झारखंड में नई सरकार अस्तित्व में आई, जिसमें झारखंड में चंपई सोरेन सोमवार को फ्लोर टेस्ट यानी आज फ्लोर टेस्ट का वो भी सामना करेंगे, जबकि बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार को 12 फरवरी को बहुमत साबित करना होगा। लेकिन इसके पहले कांग्रेस ने अपने 16 विधायक हैदराबाद भेजे हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19 विधायक हैं और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन पिछले महीने बिहार में तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में आ गए। रिकॉर्ड 9वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की नई सरकार अब 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट का सामना करने वाली है। कांग्रेस ने 19 में से 16 विधायक हैदराबाद भेज दिए हैं, लेकिन शेष 3 विधायकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह 16 विधायक हैदराबाद पहुंच रहे हैं, जबकि शेष विधायक भी जल्द पहुंच जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस विधायक कथित तौर पर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई देने के लिए रविवार को हैदराबाद पहुंचे। रेड्डी ने पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। बिहार में राजनीतिक हलचल की स्थिति बनी हुई है। तेजस्वी यादव ने भी राज्य में खेला होने की बात कही है। उनको साफ तौर पर कहना है कि अभी खेला होना बाकी है, लेकिन क्या खेला होना बाकी है अभी स्पष्ट रूप से नहीं निकल कर सामने आया है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।